आज हम अंगूर से बनाएंगे दो रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी, चटपटी और मुंह में पानी ला देने वाली होगी। ये है अंगूर की खट्टी मीठी कलौंजी और ये है अंगूर की चटनी। तो आप दोनों रेसिपी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अंगूर से ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम अंगूर लिए हैं, इसे साफ पहले पानी से धो के ले लिया है। अब हम इसे कट करेंगे, इसे हम दो भागों में कट करेंगे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं करेंगे। ये देखिए एक अंगूर के हमें दो टुकड़े करने हैं, तो इस तरह से। तो अब हम ये सारे अंगूर इसी तरह से काट लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे अंगूर को काट लिए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में और लेंगे एक मिक्सी का जार। अब हम थोड़े से कुछ खड़े मसाले पीस लेंगे। इसके लिए मैं एक चम्मच सौंफ ले रही हूँ बारीक वाली। इसके लिए आप बारीक या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं। 5 से 6 काली मिर्च है, 1 चम्मच खड़ी वाली धनिया, साबुत धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और लेंगे 1 चम्मच जीरा। अब सारी चीजें हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से इसे थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, दरदरा ही पीसना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो हम अंगूर से खट्टी मीठी कलौंजी बनाने जा रहे हैं उसमें, तो इसलिए आप इस मसाले को थोड़ा सा दरदरा ही पीसे। तो चलिए अब इसे भी रख देते हैं साइड में और चलते हैं अंगूर की खट्टी मीठी कलौंजी बनाने के लिए गैस की तरफ। गैस पे पैन रखेंगे और उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच मेथी और 1/2 चम्मच राई। राई, तिल और मेथी के तड़कने के बाद हम उसमें डाल देंगे ये मसाला जो हमने पीस के रखा था। और अब सभी मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। अब डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब इसे भी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये अंगूर जो हमने काट के रखे थे, और अब इसको मसालों के साथ मिला लेंगे। और अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा काला नमक। दोनों नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाला है। और अब इसे नमक के साथ मिला लेंगे। अब इसे हम कवर कर देते हैं और कवर करके अंगूर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, कितने जल्दी से ये अंगूर सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए दबा रही हूँ मैं इसे चम्मच से, ये आराम से दब रहे हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और इसमें हमने नमक डाला, तो नमक डालने से इसमें थोड़ा सा पानी भी रिलीज हो गया है, तो जिससे ये जल्दी से सॉफ्ट हो गए हैं। अंगूर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं ये। अब यहीं पर इसमें डाल देंगे हम गुड़। अंगूर की हम खट्टी मीठी कलौंजी बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे हम गुड़। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ से डालेंगे तो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा ये। तो इसमें आप गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आप जिस अंगूर से ये कलौंजी बना रहे हैं वो अंगूर अगर ज़्यादा खट्टे हैं तो आप गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा डालें, और कम खट्टे हैं, थोड़े से मीठे वाले अंगूर हैं, उससे भी आप इस चटनी को, इस कलौंजी को बना सकते हैं। खट्टे अंगूर हो या मीठे, इस कलौंजी को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा मिठास हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब गुड़ डाल रही हूँ। 4 से 5 चम्मच गुड़ इसमें डाला है। अब गुड़ को भी इसमें मेल्ट कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए और कवर कर देते हैं जिससे गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए हमने इसे 2 मिनट ढक के और पका लिया है।
ये देखिए 2 मिनट में ही सारा गुड़ इसमें मेल्ट हो गया है और हमारी ये कलौंजी, खट्टी मीठी कलौंजी बन के तैयार हो गई है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिना पानी के ही बनाया है हमने। आप इस कलौंजी को एक एयर टाइट डिब्बे में भर के 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो ये देखिए हमारी ये खट्टी मीठी कलौंजी झटपट से बन के तैयार है। तो इस तरह से आप इस कलौंजी को बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। कलौंजी को बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए आप इसे रोटी, सब्जी, पराठे, पूरी या फिर चावल के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। खाने का स्वाद बढ़ जाता है ये खट्टी मीठी कलौंजी से। आप एक बार इस तरह से इस कलौंजी को बना के जरूर देखिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कलौंजी आपको कैसी लगी। चलिए अब हमारी ये अंगूर से एक रेसिपी बन के तैयार है। अब हम बना लेते हैं दूसरी रेसिपी। तो चलिए इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। तो चलिए अब हम अंगूर से दूसरी रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए ले लिया है मैंने ये ग्राइंडिंग जार। उसमें डाल देंगे सबसे पहले हरी धनिया। हरी धनिया को मैंने साफ पानी से धो के ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्चें और 3 कली लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। डालेंगे 1/4 चम्मच काला नमक और 1/4 चम्मच सादा नमक। दोनों नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। और अब डालेंगे अंगूर। अंगूर को मैंने साफ पानी से धो लिया है। ये हम बना रहे हैं अंगूर की चटनी, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने कभी भी अंगूर की चटनी बना के नहीं खाई होगी, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बस इतने ही अंगूर लेंगे, 12 से 15 अंगूर लिए हैं। अंगूर अगर ज्यादा खट्टे हो तो आप कम ले लें। और अब इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच पानी, 1 से 2 चम्मच ही डालेंगे। और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूर की ये चटनी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इतनी टेस्टी बनी है ये। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। ये देखिए हमारी ये अंगूर की चटनी बन के तैयार है। आप इस तरह से एक बार अंगूर की चटनी बना के ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी।